हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और एसपी लाइन कमांड बताऊंगा। ये सारे लाइन के ही टाइप के कमांड हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं, इनका यूज कैसे करना है, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सेल लाइन, जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन या एक्सेल लाइन के लिए कमांड होता है एक्सेल। शॉर्टकट कमांड एक्सेल हम कीबोर्ड से इनपुट दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी एक सरफेस पे पॉइंट लेते हैं, तो जैसे ही आप स्लाइड करेंगे, आप देखेंगे कि एक लाइन बन गया है। वैसे ये वर्टिकल, मैं स्किप कर देता हूँ, कमांड को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेल लाइन बन गया है। अब एक्सेल लाइन होता क्या है, ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में जिधर भी लाइन बना है, जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट और राइट साइड तक के इन्फिनिटी अनंत तक की लाइन बन जाती है। ये लाइंस को हम जूम करेंगे तो भी ये हमारे स्क्रीन में फिट नहीं होती है। अगर इसको हम जूम वाले कमांड को भी यूज करेंगे, जेड एंटर ई एंटर, जिससे कोई भी ड्रॉइंग फिट हो जाती है स्क्रीन में, उस कमांड से भी ये लाइंस जो है हमारे स्क्रीन में, हमारे डिस्प्ले में फिट नहीं आती हैं। ये लाइंस दोनों साइड इन्फिनिटी तक की लाइन बना देते हैं। वैसे ये वर्टिकल लाइन जो बना है, ये भी ऊपर और नीचे तक के, अनंत तक के, इन्फिनिटी तक के लाइन बन गई है। और एक्सेल लाइन में आप देख सकते हैं, ये मैंने कमांड दिया तो आप इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ साथ एंगल में भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल एंटर किया, उसके बाद आपको ए एंटर करना है, उसके बाद आपको एंगल डालना है। मान लो मैंने 45 पे एंगल डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 45 एंगल पे ही ये लाइन फिक्स बन रही है। दोनों साइड ये दोनों ही कॉर्नर से इन्फिनिटी तक के बन रही है। ये है एक्सेल लाइन। उसके बाद होता है एक आर ए वाई, रे लाइन। रे लाइन का कमांड है आर ए वाई, शॉर्टकट की। यहां से हम एंटर कर देते हैं और यहां से मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और नीचे की ओर स्लाइड कर दिया, और फिर मैंने एस्केप करके कमांड को कैंसिल कर दिया। यहां से आप देखेंगे कि जिस पॉइंट से हमने नीचे की ओर लाइन बनाया है, वो लाइन एक साइड पूरा इन्फिनिटी तक के चले गया है, पूरा अनंत तक के एक साइड चले गया है। तो आप जिस साइड डायरेक्शन देंगे, उस साइड वो इन्फिनिटी तक के चले जाएगा। ये एक बार मैं फिर से करता हूं। ये है आर ए वाई, कमांड दे दिया, एंटर किया, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और ये राइट साइड मैंने स्लाइड करके इधर डायरेक्शन दे दिया लाइन का, ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मैं स्केप कर देता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो देखेंगे कि आप एक राइट साइड एंड तक के, इन्फिनिटी तक के लाइन बन गया है। इस तरह आप आर ए वाई रे लाइन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं सब ऑर्थो ऑन करके बना रहा हूँ, जिससे ये सीधा सीधा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यहाँ पे हम इसको ऑर्थो ऑफ करके भी बना सकते हैं, जिससे ये लाइन किसी भी एंगल में बन सकता है। ये मैंने बंद कर दिया, ये किसी भी डायरेक्शन में वन साइड ऑटोमेटिकली ये लाइन चले जाती है एंड तक के। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्सेल लाइन भी आप उसी तरीके से जिधर डायरेक्शन देंगे, उधर वो दोनों साइड एंड तक के लाइन बना देता है। तो ये है एक्सेल लाइन और आर ए वाई रे लाइन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एसपी लाइन। एसपी लाइन जो कमांड है, उसके लिए शॉर्टकट की एसपीएल है। ये हम कीबोर्ड से इनपुट दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। उसके बाद कोई भी पॉइंट सरफेस पे लेते हैं और हम मूव करते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं। और ये मैं इसको ओके करने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर करना है। ये मैंने एंटर कर दिया, तो ये आप देखेंगे कि एसपी लाइन बहुत ही स्मूथ और कर्व वाली लाइन होती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं। एसपी लाइन कमांड देने के बाद आपको दो मेथड मिल जाते हैं इसको बनाने के लिए। एसपीएल एंटर करने के बाद एम एंटर करेंगे तो आपको एक फिट का ऑप्शन मिल जाता है और एक सीवी का ऑप्शन मिल जाता है।
ये अभी एक सीवी में लाइन बनी थी, अब मैं फिट सेलेक्ट करके बनाता हूँ। फिट में आप देखेंगे कि एक पहले लाइन का एक डायरेक्शन बनता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग दूसरी लाइंस बनती है। ये मैं एंटर कर देता हूं और एग्जिट हो जाता हूं। एसपीएल लाइन के लिए आपको एग्जिट होने के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कमांड कैंसल हो जाता है। आपको अलग से एस्केप दबाएंगे तो वो आपका लाइन नहीं बनेगा। एसपीएल लाइन एंटर किए, मेथड के लिए एम एंटर किए हमने, और ये सीवी ले लिया। सीवी से आप देखेंगे कि यहां पे एक लाइन के अकॉर्डिंग वो स्मूथ कर्व बना रहे हैं। तो इस तरह से आप एसपीएल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो जो कमांड्स मैंने बताए हैं वो लाइन टाइप के ही कमांड्स हैं। अलग अलग आपको स्मूथ लाइन बनाना है, दो साइड इन्फिनिटी लाइन बनाना है, एक साइड इन्फिनिटी लाइन बनाना है। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन यूज करके बना सकते हैं। ये सारे कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बड़ी ड्रॉइंग्स बनाएंगे तो उसमें ऐसे कर्व वाले ऑप्शन भी आते हैं, तो आप ये लाइन बना सकते हैं। आगे के कमांड के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल IIM AutoCAD सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।